हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 10th वाले स्टूडेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आज का जो वीडियो है एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा था कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लास्ट 3 मंथ अभी बचे हुए, ये जो टाइम चल रहा है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये लगभग नवंबर का एंडिंग हो जाएगा आते आते, एंड आपके पास जो सिर्फ टाइम रहेगा वो सिर्फ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ का ही टाइम रहेगा। तो हम इसीलिए आपके लिए लेकर आ गए हैं लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो 10th एसएससी बोर्ड स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं वो लास्ट के 3 मंथ में किस प्रकार प्रिपेयर करें। और आज प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजी में आपको ये बताने वाला हूं कि आप टाइम टेबल किस प्रकार बनाने वाले हो, और ऐसे ही सेम एक वीडियो में जल्द से जल्द बनाऊंगा जिसमें आपको मैं क्या और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो टाइम टेबल के ऊपर है कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे और ये 3 मंथ का कैसे फायदा उठाओगे अपने दिमाग में एक शेड्यूल बना के, और शेड्यूल भी बना के लाया हूं आपके लिए। बहुत मेहनत लगा दोस्तों शेड्यूल बनाने में, तो ये मेहनत को वेस्ट होने मत देना, और इसको आप अगर फॉलो कर लेते हो ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 95% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे इतना, और आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वीडियो की। आप लोग बस हमारा सपोर्ट करते रहना, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, उसमें आप फेस टू फेस हमसे बातें कर सकते हैं। और साथ ही में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक वहां पे बहुत सारे प्रेजेंट है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारे 2 और चैनल है, जेआर टॉक्स और जेआर व्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चैनल है और आप लोग के लिए हमने बहुत सारी चीजें उसमें और डाली हुई है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहली बात, आप अगर एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपके मन में एक थॉट हमेशा आ रहा होगा कि यार अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, मैं कैसे प्रिपेरेशन करूं यार, क्या करूं ऐसा। ठीक है ना, कोविड-19 का सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो गया है समझ लो, या फिर नहीं हुआ है तो हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ऑलमोस्ट आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ऑफलाइन जो है वो होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट मंथ के लिए छोड़ोगे, लास्ट के 1 महीना 10-15 दिन के लिए छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे रह जाओगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन है दोस्तों, कोई हलवा नहीं है, मजाक नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और बाकी के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे तो वो भी आप देख रहे, क्योंकि ये आपको भी काम आने वाला है आने वाले टाइम में जब आप 10th में जाओगे। तो हो सकता है आपको छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप भी देख लो, आप अपने बड़े भाई या फिर जो भी 10th स्टैंडर्ड के आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, लेकिन वीडियो जरूर से देखना एंड तक। शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है 3 मंथ के लिए, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ का हमने पूरा एक फ्लो चार्ट पैटर्न मेंटेन किया हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो आपके पास 30 दिन है, वैसे तो 31 होते हैं, मालूम है दिसंबर मंथ में 31 होता है, लेकिन हम वो 31 नहीं राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, 30 डेज दिसंबर में है, जनवरी में 30 डेज है समझ लो, और फरवरी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि सर फरवरी में तो 28 या 29 दिन होते हैं, तो आपने 20 दिन क्यों लिखा, क्योंकि 20 दिन इसलिए लिखा क्योंकि जो आपके एटलीस्ट 8 से 9 दिन या फिर 10 दिन जो रहेंगे फरवरी मंथ में वो आपके असाइनमेंट्स में, आपके प्रैक्टिकल्स में, आपके वाइवा में, आपके ओरल एग्जामिनेशन में जाएंगे, तो इसलिए हमने वहां पे 20 दिन ही रखा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ओनली 30+30+20 यानी कि टोटल 80 दिन है कुल मिला के, और यही 80 दिन में आपको पूरा का पूरा अपना पढ़ाई भी करना है और साथ में रिविजन भी करना है। कैसे करोगे यार, मतलब 80 दिन में कैसे हो पाएगा, टेंशन आ गया सर, आपने आपने इतना सारा चीज बता दिया अब तो आपको टेंशन आ गया होगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके राहुल सर आपके साथ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्या करना है आपको, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, तो सबसे पहले दिसंबर में 30 डेज का इस्तेमाल आप क्या करोगे, ट्राई करो टू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन बाय वाचिंग आवर वीडियोस। कैसे करोगे, जैसे कि आप जानते हो कि आपने इसके पहले तक, यानी कि अभी आप जो स्टूडेंट हो या हमारा वीडियो देख रहे हो, तो इसके पहले तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि आपने कुछ पढ़ाई की नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई की ही होगी क्योंकि 10वीं में हो आप खुद जानते होंगे, तो एटलीस्ट आपने लगभग 30-40% तो पढ़ाई की होगी, कितना भी लो स्टूडेंट हो, कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से, थोड़ी बहुत तो की होगी, और जो टॉपर होंगे उन्होंने तो बहुत अच्छे से की होगी। तो ये आपके पास जो दिसंबर का महीना है इसमें आपको क्या करना है, अपना जितना भी चैप्टर्स बचे हुए हैं आपको पढ़ाई करने के लिए, जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हर सब्जेक्ट्स के, आपको क्या करना है उसकी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। और सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करना है। कंसेप्चुअल नॉलेज कहां से क्लियर होगा, आप सिंपली हमारे वीडियोस को अगर देख लोगे, हमारे यूट्यूब चैनल, ये जो जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल है, इस पे लगभग 1500 से ज्यादा वीडियोस हमने डाले हुए हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आप देखोगे अगर जाके 10th स्टैंडर्ड में अगर आप हो तो आपका पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा एसएसटी, नॉर्मली हर चीज आपके लिए हमने डाल के रखा है, प्लीज चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप वीडियो देखो और
टारगेट करो कि हम पूरा का पूरा पोर्शन ये दिसंबर महीने में 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करें। तो कैसे कर पाओगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक स्लॉट बनाना पड़ेगा। कैसे स्लॉट बनाओगे? अब जैसे कि देखो, साइंस है आपका, ठीक है ना, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, यही सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह होता है, लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और कंप्यूटर वगैरह का एग्जाम होता भी नहीं है। पहली बात तो यही सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे साइंस का, तो साइंस के लिए हमने 8 दिन दिया हुआ है। 8 डेज क्यों दिया है साइंस के लिए? क्योंकि नॉर्मल तौर पर साइंस एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने ना साइंस, मैथ्स और SST, ये तीन जो बड़े सब्जेक्ट है, उसके लिए 8-8 तीनों के लिए कॉमन दिन दिया है। अब आपको करना क्या है? तो आप बोलोगे कि सर साइंस में तो हमारे पास 20 चैप्टर है, तो 8 दिन में कैसे कंप्लीट होगा? अरे यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपने अगर पहले से कुछ नहीं पढ़ा रहेगा तो आप बहुत पीछे रह गए हो। अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप पीछे रह गए हो। अगर आपके पास आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा होगा ना, तो ये 8 दिन आपके लिए इनफ है। और ये 8 दिन ऐसा नहीं है कि आराम आराम से पढ़ना है, 8 दिन लगातार 10-10, 12-12 घंटा पढ़ना है पूरे दिन में, तब जाके 90-95% लोग मार्क्स निकालते हैं दोस्तों। ये विश्वास करो मेरा, अगर आप 8-10 घंटा भी अगर पढ़ रहे हो, 8 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, यूजुअली आप अगर 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हो हर दिन, तो 8 × 5 यानी कि 8×5=40 होता है, यानी कि 40 घंटे हैं आपके पास। और एक चैप्टर को अगर आप 4 घंटे भी देते हो तो भी आपके 10 चैप्टर इजीली हो जाते हैं, करेक्ट है? तो आपको कोशिश ये करना है कि ये 8 दिन में एटलीस्ट आपका साइंस का पोर्शन आप कंप्लीट कर पाओ। वीडियोस देखोगे सबसे पहले तो 2-3 दिन आपका वीडियोस देख के खत्म हो जाएगा। 2-3 दिनों में आपने सब वीडियोस देख डाले, सब खत्म हो गया, अब दिमाग में आपके कंसेप्चुअल नॉलेज आ गया, मतलब आपके पास स्टोरी आ गई, कंसेप्चुअल नॉलेज आ गया, मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो गई। अब आप उसको बाकी के दिनों में पढ़ना शुरू करो, तो जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्चुअल नॉलेज यहां पे रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज इजी लगने लगेगी और फटाफट याद हो जाएंगे। तो 8 दिन में आप क्या करो, साइंस कंप्लीट करो, वैसे ही सेम 8 दिन में आप मैथ्स कंप्लीट करो। मैथ्स को सबसे पहले वीडियोस देखो, वीडियोस देखने के बाद जो भी टॉपिक आपने वीडियो देखा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाई किया, उसके बाद उसी प्रैक्टिस सेट को निकालो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिना देखे आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपको आ गया। और मैथ्स को ज्यादा इजी है, मैथ्स तो ज्यादा इजी है, मैथ्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, थोड़े दिन में ही हो जाएगा। तो साइंस के लिए 8 दिन, मैथ्स के लिए 8 दिन। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको SST में, क्योंकि सोशल स्टडीज में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो इसको आपको 8 दिन दिया है मैंने, लेकिन ये आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम इसका एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे कि आपको पढ़ना कैसे, ये तो हमने टाइम टेबल बना रहे ना आपके लिए कि आपको शेड्यूल कैसे बनाना है, कि आपने बचे हुए 80 दिन जो है 3 महीना है उसमें आपको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन एक और वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा जिसमें आपको स्ट्रैटेजी और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि पढ़ना क्या क्या है, वो भी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल नहीं बना पाओगे तो वो जो पढ़ना है बताऊंगा उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। तो SST के लिए आप डिवाइड कर लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को, कि उसमें 8 दिन में आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए और कंसेप्चुअल नॉलेज ले लेना चाहिए। तो कंसेप्चुअल नॉलेज हमारे वीडियोस देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस प्रकार स्टोरी समझाता हूं कि आपको वो चीज माइंड में छप जाएगा और अपने मन से भी आप आंसर लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद बात करें इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ये लैंग्वेजेस है, तो इसको बहुत कम टाइम दो, क्योंकि ज्यादा टाइम दोगे टाइम वेस्ट होगा। इंग्लिश बस 2 दिन काफी है, इंग्लिश थोड़ा हार्ड होता है कंपैरेटिवली हिंदी और मराठी से, तो इंग्लिश को सिर्फ 2 दिन भी दोगे तो भी इनफ हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वो आपको हेल्प करेंगे, हर एक चीज हमने बताया है, चाहे वो लाइक डूएस डायरेक्टेड के क्वेश्चन हो, इंग्लिश ग्रामर के राइटिंग स्किल्स हो, या फिर अलग अलग चीजें जो होती है ना, आपके नेम द फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये सभी टाइप के क्वेश्चन के टाइप के चीजें हमने पूरा इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, बहुत सारे वीडियोस है, आपको हेल्प हो जाएगा। तो वहां से आप देख के वीडियोस और कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हो। हिंदी मराठी आप अपनी तरह से जो पढ़ते हो वो पढ़ लो, स्ट्रैटेजी जब एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कैसे पढ़ना है, ओके? तो ये हो जाएगा हमारा दिसंबर महीने में, यानी कि आपने इतना जो मेहनत है दोस्तों दिसंबर महीने में कर लिया। अब दिसंबर महीने में आपने जो मेहनत कर लिया तो आपको एक रिलीफ मिल जाएगा कि एटलीस्ट 100% तो नहीं यार, कोशिश तो करना यार, कम से कम 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर दो। जब आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक रिलैक्स महसूस होगा कि यार मुझे 70-80% सिलेबस जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप आओगे किस में? अगले महीने में, यानी जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में आओगे तो आप बोलोगे यार सिर्फ 2 महीना बचा है, 2 महीना भी नहीं, 1.5 महीना बचा है, क्या करना चाहिए? तो जनवरी महीने में आके आपके पास सिर्फ 30 दिन है, और 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है, रिवीजन नंबर 1। बिकॉज लोग गलतियां यही करते हैं, सबसे बड़ी बच्चे गलती ये करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 महीना लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में आप याद करोगे चीजों को, लास्ट मोमेंट में, ये जो मैंने बताया ना दिसंबर में, ये जो चीज दिसंबर में आपको जो करने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप वो जनवरी फरवरी में करोगे तो हो सकता है आप रिवाइज करने का टाइम ना मिल पाए, आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा तो आपने जो पढ़ा है वो आपको याद ही नहीं आएगा और एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाओगे। तो ये लोग गलतियां करते हैं, कम से कम लोग 2-3 बार रिवीजन करते हैं, हमने आपके लिए 2 रिवीजन का शेड्यूल बनाया हुआ है। तो एक तो दिसंबर में पूरा आप जम के पढ़ाई करोगे, रोज मेहनत करोगे, 8-9 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद आप जनवरी में आ जाओगे तो रिवीजन स्टार्ट करोगे। रिवीजन नंबर 1 में क्या करना है, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट डिवाइड किया है हर सब्जेक्ट को। साइंस 1 को 4 दिन देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत पहले ही साइंस को 8 दिन दे चुका था।
यहाँ पे आपने पोर्शन कंप्लीट किया था 70-80% भी कंप्लीट किया होगा, तो वही जो पढ़ाई आपने ये चार दिन में वापस से उसको रिवाइज करना है। चार दिन इनफ है, साइंस वन में कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। चार दिन में हो नहीं सकते 10 चैप्टर, रिवाइज करना है खाली, जो पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं। कुछ नया नहीं पढ़ने जाना है, कुछ नया पढ़ने जाओगे तो हो सकता है भूल जाओ। हाँ, अगर टाइम मिल जाता है कि आपने यहाँ पे 2 से 3 दिनों के अंदर ही पूरा रिवाइज कर डाला, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ एक दिन है उसमें कुछ नया पढ़ने जाओ, ऐसा कर सकते हो। फिर साइंस टू में अगेन 4 दिन है, 10 चैप्टर है, 4 दिन आराम से हो सकता है। मैथ्स वन में भी अगेन सेम वही 6-7 चैप्टर है, वो आप कर सकते हो 4 दिनों के अंदर, ठीक है ना। 6-7 चैप्टर में मैंने ज्यादा बोल दिया। मैथ्स टू है और उसमें भी आपका पोर्शन रिड्यूस हुआ है, तो वो पोर्शन रिड्यूस के हिसाब से आप पढ़ोगे। मैथ्स टू में अगेन 4 दिन, तो यहाँ पे सबको मैंने 4 दिन दिया हिस्ट्री के लिए। टोटल अगर देखा जाए जितने भी चैप्टर है, 8-9 चैप्टर है, 4 दिन में इजिली हो जाएगा। रिवाइज तो करना है खाली, ज्योग्राफी 4 दिन, तो ये इतने हमने सबको 4-4 दिन दिया, क्योंकि ये इतने सब्जेक्ट जो है थोड़े से बड़े हैं और इनको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, रिवाइज करने में टाइम लगेगा। तो इतना आपने कंप्लीट किया, 4-4-4-4-4-4, यहाँ पे 24 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपके पास कितने 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन में से 2 दिन आपको पॉलिटिकल साइंस में देना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है 3-4 चैप्टर ही आएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 दिन दे दिया, रिवाइज हो गया, इजी हो गया। इंग्लिश के लिए अगेन फिर से 2 दिन देना है रिवाइज करने के लिए, इनफ हो जाएगा। हिंदी मराठी के लिए 1-1 दिन भी दोगे रिवाइज करने के लिए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। और यहां पे आपका जनवरी मंथ खत्म हो रहा होगा और आपका रिवीजन पहला हो रहा होगा, और रिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो फीलिंग आएगी ना आपको कि यार कली पेपर दे दे, मैं कली पेपर देके टॉप मार दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, तो ये चीज करके देखना। अब उसके बाद आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, अब ओवर कॉन्फिडेंस को हराने के लिए आपको एक और रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला रिवाइज नहीं करोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको एग्जाम में बहुत परेशानियां होगी, और लोग गलतियां करते हैं, सेकंड रिवीजन नहीं करते हैं। सेकंड रिवीजन क्या होता है, जब आपने कुछ चीज पढ़ा है अब उसका आपने रिवाइज कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे वो चीज अच्छे से याद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन का गैप होने के बाद जब उसको आंसर को आप याद रख करते हो कि यार वो आंसर क्या था, अरे उस चीज का आंसर क्या था, तो आपको याद ही नहीं आता, क्योंकि आपने वो चीज को वापस से देखा ही नहीं ना, वापस से रिवाइज किया ही नहीं। तो वो जो रिवाइज फेज है, सेकंड रिविजन फेज पे मैंने रखा है, जो कि 20 दिन का स्लॉट है, 20 दिन या फिर जो भी आपको जितना भी दिन मिलेगा उसके हिसाब से, तो लेकिन मैंने 20 दिन पकड़ के चल रहा हूं। तो 20 दिन में आपको क्या करना है, अगेन सब्जेक्ट्स को मैंने डिवाइड किया है, तो फिर से आपका साइंस मैथ्स एसएसटी इंग्लिश हिंदी एंड मराठी मैंने बनाया। इसमें क्या करना है, अब साइंस में आपको टोटल 5 दिन देना है, 5 दिन ले लो। अब आपको रिवीजन आपको याद भी था, आपने रिवाइज भी कर लिया, तो ये जो 5 दिन है वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, आप फटाफट चुटकी बजाते ही रिवाइज कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपको सब आंसर पहले से आता रहेगा, सब आंसर पहले से आपको याद है, क्योंकि आपने एक बार याद भी किया हुआ है, एक बार रिवाइज भी किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर जो आपको 10-15 मिनट जो लगते थे बोलने में या फिर सोचने में, वो आप 2 मिनट के अंदर बोल दोगे, क्योंकि आपको इतना फास्ट उसको याद हो जाएगा, आपको आप एकदम मेमोराइज कर लोगे, एकदम फटाफट मुंह पे आ जाएगा आपके आंसर। तो 5 दिन आपके साइंस के लिए, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए इनफ हो जाएंगे, वैसे ही मैथ्स के लिए 5 दिन में इनफ हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद सोशल स्टडीज को 6 दिन दिया मैंने, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, तो एसएसटी के लिए 6 दिन दिया है। इंग्लिश के लिए 2 दिन फिर से दिया है मैंने, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा वास्ट होता है, या फिर आप एडजस्ट कर सकते हो, इंग्लिश आपको इजी लगता है तो आप हिंदी मराठी में एडजस्ट कर सकते हो दिन को, जिसमें भी आपको कम ज्यादा लगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, हिंदी के लिए 1 दिन, मराठी के लिए 1 दिन। तो इस प्रकार का जो शेड्यूल है हमने क्रिएट किया, और ये शेड्यूल इस प्रकार है कि आपको बस हमने टाइम टेबल बताया, क्योंकि अगर आप एक टाइम टेबल बना के चलोगे लास्ट के 3 महीने में तो ही आप उस लेवल पे जा सकते हो। देखो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, जो लोग हुआ फैला के रखते हैं यार 10th बोर्ड है 10th बोर्ड है, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पैटर्न फॉलो करोगे तो बहुत ईजी है। लोग गलतियां यही तो करते हैं, कुछ पैटर्न बनाते ही नहीं, अपना शेड्यूल बनाते ही नहीं है, बस अरे यार चल 4 दिन के बाद एग्जाम है ना कल पढ़ते हैं, अरे यार 3 दिन बाकी है अरे कल पढ़ते हैं, अरे 2 दिन बाकी है कल पढ़ते हैं, जब लास्ट का 1 दिन आ जाता है थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में मार्क्स लिख के आते हैं और चुल्लू भर मार्क्स मिलते हैं उनको, फिर बोलते हैं यार मैं मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले, फिर मेरे को टॉपर नहीं बन पाया मैं। क्यों बनोगे भाई टॉपर तुम, जब तुमने इस प्रकार का मेहनत किया ही नहीं। एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही तो फर्क होता है दोस्तों, टॉपर ऑलवेज मेक्स टाइम टेबल, टॉपर ऑलवेज मेक्स देयर शेड्यूल, एंड वो उसके हिसाब से 2-3 महीने पहले से ही मेहनत करता है, तब जाके वो टॉपर बनता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना जब तक वो लोहे को गर्म नहीं करोगे तब तक वो शेप नहीं लेगा, लोहे को गर्म करके तपाना पड़ता है तब आप तपोगे, जब आप तपोगे 2-3 महीने मेहनत करके तब आप उस लेवल पे टॉपर बनोगे, जब 90-95 जब रिजल्ट पे आपके डिस्प्ले हो रहे होंगे ना 95% मार्क्स, तब आपको जो फीलिंग आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि यार हमने 3 महीने पहले से इतना मेहनत किया है, पूरा घिसा है हमने, तपा है आग जैसे तपा है, तब जाके इतने मार्क्स आए हैं। और ये करके देखना, आपको रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से तो बता सकता हूँ, लेकिन यार आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन मैसेज भी ऑन इंस्टाग्राम, या मेरा आईडी है आप फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा, जल्द ही आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज आ रहे होंगे जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि आपको किस प्रकार और स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, या फिर कोई अलग पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए किस प्रकार आपको आंसर करना है, उस प्रकार के वीडियोज भी हम ला रहे होंगे आपके लिए। तो बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना, प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़े हुए हैं, चेक करो, पढ़ाई करो और स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है।
क्लियर है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।